गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज हमारे चैनल आईटीआई फीचर एम के माध्यम से तीन मेड एल स्क्वायर के बारे में जानेंगे कि यह क्या है। तो ये जो चित्र देख रहे हैं तो इसी को हम तीन मेड एल स्क्वायर या सिर्फ एल स्क्वायर बोलते हैं। तो तीन मेड एल स्क्वायर एल आकार का कठोरीकृत इस्पात का बना होता है। तो यहाँ चित्र में हम देख रहे हैं यह एल आकार का बना होता है जो कठोरीकृत इस्पात का बना होता है जिसका टंग तथा बॉडी या ब्लेड की कोर पर अंशांकन चिन्ह होते हैं। तो ये जो देख रहे हैं टंग या बॉडी या ब्लेड का जो यह कोर है, दोनों साइड जो कोर है तो इस पर मार्किंग किया हुआ रहता है, इसी को हम तीन मैन स्क्वायर या एल स्क्वायर बोलते हैं। तो तीन मैन एल स्क्वायर एल आकृति का होता है। तो ये जो देख रहे हैं एल आकृति का होता है और यह कठोरीकृत इस्पात का होता है, मतलब कठोर इस्पात का बना होता है। इसका टांग, तो ये जो देख रहे हैं इसका टांग और बॉडी या ब्लेड की कोर पर, तो इसके कोर पर अंशांकन चिन्ह रहता है, मतलब मार्किंग किया हुआ रहता है स्केल के जैसा। तो यहां हम देख रहे हैं कि यहां हम देख रहे हैं कि सभी पर मार्किंग किया हुआ है। जिस प्रकार स्केल पे मार्किंग रहता है उसी प्रकार इस एल स्क्वायर पर भी मार्किंग किया हुआ रहता है। यह किसी भी आधार रेखा से लंबवत दिशा में चिन्हांकन के लिए, मतलब मार्किंग के लिए तथा समकोणता की जांच करने के लिए उपयोग किया जाता है। एल स्क्वायर का प्रयोग आधार रेखा से लंबवत दिशा में मार्किंग करने के लिए या समकोण की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे ये जो देख रहे हैं आधार रेखा, तो आधार रेखा से लंबवत जब हमें मार्किंग करना हो तो एल स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। जैसे ये आधार रेखा हो गया और इसके लंबवत अगर हमें इस पे मार्किंग करना है तो एल स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं यह एक शीट मेटल है और इसका ये आधार है, तो आधार पर रख कर हम इस प्रकार मार्किंग करते हैं। यह एल स्क्वायर का प्रयोग 90 डिग्री को चेक करने के लिए भी किया जाता है। जैसे ये देखिए ये 90 डिग्री, ये जो कोण है शीट मेटल का 90 डिग्री में है कि नहीं, इसका जांच हम एल स्क्वायर से करते हैं। तो ये यहाँ इस प्रकार रखते हैं और फिर इसे इस प्रकार यहाँ सेट करते हैं। अगर दोनों सतह सही टच कर रहा है तो इस शीट मेटल का ये जो कोण है यह एक्यूरेट 90 डिग्री में है। एल स्क्वायर का छोटा भुजा को टंग और लंबी भुजा को बॉडी या ब्लेड तथा कोने को एडी कहते हैं। तो ये जो देख रहे हैं छोटा भुजा, तो इसे हम टंग बोलते हैं और ये जो लंबा भुजा है इसे बॉडी या ब्लेड बोलते हैं और ये जो कोना है इसे हम हील या एडी बोलते हैं। एल स्क्वायर के छोटा भुजा को, तो ये जो देख रहे हैं यह छोटा भुजा है और यह लंबा भुजा है, तो छोटा भुजा को टंग, इसको हम टंग बोलते हैं और ये जो लंबा भुजा है इसे हम बॉडी या ब्लेड बोलते हैं। तो लंबा भुजा बॉडी या ब्लेड और छोटा भुजा को टंग बोलते हैं और ये जो कोना है तो इस कोने को हील बोलते हैं। एल स्क्वायर के टंग और बॉडी के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। तो ये जो देख रहे हैं टंग और ये बॉडी, तो इस दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है। एल स्क्वायर के टंग, तो ये जो टंग है और ये जो बॉडी है, तो दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री का होता है, मतलब ये जो छोटा भुजा और बड़ा भुजा के बीच का जो ये कोण है तो यह 90 डिग्री का होता है। एल स्क्वायर का साइज बॉडी या टंग की लंबाई से स्पेसिफाई किया जाता है। तो इसका साइज टंग कितना लंबा है और इसका बॉडी कितना लंबा है इससे स्पेसिफाई किया जाता है। ये जो एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर का साइज बॉडी और टंग की लंबाई से स्पेसिफाई किया जाता है,
मतलब ये जो बॉडी है तो बॉडी कितना लंबा है और इसका ये जो टंग है तो यह कितना लंबा है, इससे एल स्क्वायर को स्पेसिफाई किया जाता है। एल स्क्वायर को तीन मेन का स्क्वायर भी कहते हैं। ये जो एल स्क्वायर है तो इसे हम तीन मेन का स्क्वायर भी बोलते हैं।